कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फली आपके यहाँ पर गणित का हमारे पास रियल पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रियल पेपर की फोटो हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरी रियल पेपर की जो फोटो है वो हमारे पास आ चुकी है, तो हम आपका यहाँ पर गणित का पूरा रियल पेपर कराने वाले थे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना और साथ ही आपको इस पेपर पूरा अच्छी तरह से ए टू जेड आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला गणित का। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर सही पेपर चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला आता है यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10 हो तो। आप यहां पर देखते हैं आपको f माइनस 10 का मान होगा, ये आपको यहां पर बताना, ठीक है। इसका आपके a ऑप्शन आता है 0 और b ऑप्शन आता है 10 और c ऑप्शन आपका आता है 5 और d ऑप्शन आता है आपका 20, ठीक है। तो जो इसके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहां पेपर को देखिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और साथ ही आपको अगर यहां पर वीडियो साफ नहीं देख रहा तो वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आप वीडियो साफ देख पाएंगे। और पूरा आपका रियल पेपर आ चुका, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये आपका रियल पेपर और रियल पेपर की फोटो हमारे पास पूरी आ चुकी है, तो पूरा पेपर आपका हम कराने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है यदि आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि ए बराबर आपका ए बी है और बी बराबर आपका ए बी सी है तो, ठीक है, आपको यहाँ पर मान निकालना, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, यहाँ पर ए ऑप्शन देते ए बी और बी ऑप्शन आपका सी आता है और सी ऑप्शन आपका फाइव आता है, डी ऑप्शन आता है आपका ए बी सी। तो इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। मैं तीसरा आपको यहाँ पर आता है यदि एक्स प्लस आई वाई बराबर 2 प्लस 3 आई तब एक्स वाई होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 3 2 और बी ऑप्शन आता है 2 3 और सी ऑप्शन आता है माइनस 2 और माइनस 3 और डी ऑप्शन आता है 2 और माइनस 3, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ आता है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथा क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन आता है, तो पाँचवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि सरल रेखा वाई बराबर 3 एक्स प्लस 7 वाई बराबर एम एक्स प्लस 2 परस्पर लंबवत हो तो। तो आपके इसके यहाँ पर आते 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसी में से आपको करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट करना है। अब छवां आपका आता है, छवां आप यहाँ पर देख लीजिए, संख्याओं 3, 4, 5, 6, 7 का मध्य के सापेक्ष मध्य विचलन है, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसके आपके ऑप्शन आते 25, बी आता 5 और सी आता 1 और 2 और डी आता 1, ठीक है। इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही पेपर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के, और आपने स्क्रीन शॉट भी ले लिया हुआ है पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, देखते हैं पूर्ति के 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है यदि ए बराबर आपका 1 2 हो तो ए के अतिरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी। फिर दूसरा था फलन एफ बराबर आपका 2 1 दिया गया 3 1 4 1 5 1 का परिसर है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा आपका रेखास्थान आता है, पाँचवा रेखास्थान आता है यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 45 डिग्री कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता होगी। फिर छवां आपका आता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को कहते हैं। और सातवां आता दो डॉट रेखाओं की प्रवणताएं परस्पर एक दूसरे की ऋणात्मक व्युत्क्रम होती हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दिए हैं रेखिस्तान, जल्दी से इनके जो स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर इसकी में दिखा देते हैं, तो इनके जो स्क्रीन शॉट है वो आपको यहाँ पर ले लेना, ठीक है। आप चलिए इसमें जो आपके यहाँ प्रश्न 3 है, तो प्रश्न 3 आपके यहाँ पर देख लेते हैं। इस सही जोड़ी मिलाइए जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए खाओ का में का खा में आपके यहाँ पर दिए सही जोड़ी, पहली आती है साइन फाई, ठीक है, फाई माइनस एक्स, और दूसरी आती है स्क्वायर एक्स माइनस वन, और तीसरी आती है साइन टू टू पाई माइनस एक्स, चौथी आती है कॉस टू पाई माइनस एक्स, और पाँचवीं आती है तो पाँचवीं छःवीं आती है, और इस साइड आप यहाँ से माइनस साइन एक्स, और अब दूसरी आती है और सी आती है साइन एक्स, और डी आती है टेन स्क्वायर एक्स, सी आती है कॉस एक्स, ठीक है, सॉरी ई आती है कॉस एक्स, और एफ देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दिए से जोड़ी, जल्दी से इनके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपके एक साथ बाक में उत्तर दीजिए जो कि आपके आते, ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं एक साथ बाक में उत्तर आते हैं, तो इन्हें देख लीजिए पूरा आपका रियल पेपर आप लेके आ चुके हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है एक फलन एफ एक्स बराबर 2x + 5 द्वारा परिभाषित हो तो एफ माइनस 3 का मान निकालिए। दूसरा आता मूल बिंदु 0 0 एवं बिंदु पी एक्स वाई के बीच की दूरी होगी। तीसरा आता है तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, x प्लस 1 वाई माइनस 2 बराबर 3 1 हो तो x का मान होगा। चौथा क्वेश्चन आता है तो आपको मान निकालना है। पांचवा देख लीजिए, आपको पांचवा एक साथ बाक में उत्तर करा रहे हैं, ठीक है। छवा आता है आपका सातवा, तो देख लीजिए इस तरह से आपके एक साथ बाक में उत्तर हो जाते हैं। तो जल्दी से इनकी जो स्क्रीन शॉट है वो आपको यहाँ पर ले लेना, ठीक है, और पूरा पेपर आपको रटना है। आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं गणित के पेपर में। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं असत्य जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक्स अच्छे का समीकरण वाई बराबर 0 है, आपको बताना है कि सत्य की असत्य। दूसरा था फाई एक रिक्त समुच्चय है, और तीसरा था समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 का एक हल, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई है। और चौथा आता है एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। पाँचवा आपका आता है 6। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य। तो जल्दी से इनके जो स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 आता है, प्रश्न 6 देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यदि एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 हो तो 3 और 1, ठीक है, 3 1
आप यहाँ पर थे एक्स प्लस वन वाई माइनस दो बराबर तीन एक हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए अथवा वास्तविक फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वन का प्रांत या परिसर ज्ञात कीजिए। आठवां क्वेश्चन आता है थ्री आई का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए अथवा साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। नौवां था क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। पांचवां था असमीका 3x प्लस 1 बड़ा 6 छोटा है 5x प्लस 7 को हल कीजिए और जब x एक वास्तविक संख्या है। दसवां क्वेश्चन आता सिद्ध कीजिए तो आपको सिद्ध करना अथवा था तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका ग्यारहवां क्वेश्चन आता जिसमें आपको प्रसार कीजिए ठीक है इसका अथवा तो मान ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका आता 12वां क्वेश्चन वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका इसका अथवा आता उस दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घ अच्छी की लंबाई 20 है तथा नाभियाँ 0 प्लस माइनस 5 है ठीक है। आप यहाँ पर दिख लीजिए। तो आपको यहाँ पर 13वां क्वेश्चन करा दिया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं अवकलज ज्ञात कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए अथवा दीर्घ वृत्त ठीक है 9x स्क्वायर प्लस वाई 4y स्क्वायर बराबर 36 के नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए 16वें का अथवा आप यहाँ पर देते हैं तो 16वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपको आता है 17वां क्वेश्चन तो 17वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देते हैं 17वें का अथवा देख लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर हम करा रहे हैं। अब आपको 18वां क्वेश्चन आता तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन आता तीन और 19 के बीच तीन समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फिर आपको इसका अथवा तो अथवा आप यहाँ पर देते हैं। अब चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां आता तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको हल कीजिए ठीक है समीकरण को आपको हल करना है इसका अथवा आता 21वें का तो 21वें का अथवा देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन आता 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं अनुक्रम 5 55 555 और 5555 के अन्य पदों का यज्ञ ज्ञात कीजिए अथवा आता समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को हल कीजिए ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा एक्स बटे में 3 प्लस वाई बटे में 4 बराबर 1 से दूरियाँ 4 इकाई हो अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो कक्षा 11वीं का जो गणित के पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। पूरा हमने आपका रियल पेपर करा दिया ठीक है स्टूडेंट। आपने अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर ठीक है रिक्स लेकर आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा रहता है रियल पेपर डालने से ठीक है। तो रिक्स लेकर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। पूरा आपका हमने गणित का रियल पेपर करा दिया और साथ ही आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और जो आपका यहाँ पर पेपर है इसका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है। नहीं तो सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिसमें हम पूरा आपका सॉल्यूशन कराने वाले आपका पार्ट टू आएगा ठीक है। पार्ट टू आने वाला तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपको पार्ट टू में हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 23 तक पूरा सॉल्यूशन करा देंगे ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ठीक है। बाय बाय।